हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं 2019 के पुरस्कार या सम्मानों की बात। 2019 सितंबर तक जो पुरस्कार मिले हैं उन सबको देखते हैं हम लोग। तो बात करते हैं शुरू विज्ञान के ऑस्कर इवेंट क्षेत्रीय टेलीस्कोप टीम को सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप सहयोग परियोजना की टीम ने फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू प्राइज पुरस्कार जीता, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस माना गया। टीम ने अपने काम के लिए $3 मिलियन का पुरस्कार जीता है। 10 अप्रैल 2019 को टीम ने मेसियर 87 आकाशगंगा पर सफेद गर्म प्लाज्मा के एक ज्वाला नारंगी प्रभा मंडल द्वारा परिचालित ब्लैक होल की छवि विकसित की है। अगली बात करते हैं, ओडिशा ने आपदा प्रबंधन में आईटी का उपयोग करने के लिए पुरस्कार जीता है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईटी उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी अभिनव अवधारणा के लिए उड़ीसा राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सतर्क डायनेमिक जोखिम ज्ञान पर आधारित आपदा जोखिम की जानकारी का आकलन ट्रैकिंग और अलर्ट करने के लिए प्रणाली है को पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखिए, उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन में आईटी का उपयोग करने के लिए पुरस्कार जीता है। अगला हमारा लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड मोहम्मद यूनुस को मिला है। फिर टीकन ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को माइक्रो क्रेडिट अवधारणा के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली बात करते हैं, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व के लिए सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स के स्वामित्व वाली संस्था है। इस फाउंडेशन के अनुसार किसी नेता को यह पुरस्कार अपने देश में या वैश्विक स्तर पर वैश्विक लक्ष्य के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया जाता है। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के विषय में बात करें तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किसी नेता या व्यक्तियों को 5 श्रेणी में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह श्रेणियां प्रोग्रेस, चेंज मेकर, कैंपेन, गोलकीपर, वाइज, ग्लोबल गोलकीपर। स्वच्छ भारत अभियान के विषय में बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर अक्टूबर 2014 में खुद शुरू किया था। महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में इस वर्ष तक देश में सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। रिपोर्ट के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को खत्म करने के लिए अब तक 90 मिलियन शौचालय बनाए गए, जो वर्तमान में भारत के 98% गाँव में 4 वर्ष पहले के 38% के बजाय ग्रामीण स्वच्छता व्याप्त है। अगला है हमारा स्वच्छ सर्वे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान, तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी शाइन ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। श्राइन को स्वच्छता में समग्र सुधार के आधार पर चुना गया है। यह सूची 3 सितंबर को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी की गई। अगला है CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2019। वैज्ञानिक जॉन मोंडल को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। वर्तमान में हैदराबाद में CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं।
CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टी का प्रदान की जाती है। अब अगस्त 2019 के पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। बात करें पैरा एथलीट दीपा मलिक और पहलवान बजरंग पूनिया को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिए यह पैरा एथलीट दीपा मलिक और पहलवान बजरंग पूनिया, तो दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 दिया गया। खेल रत्न को खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 साल की अवधि में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में पदक विजेता के लिए दिया जाता है। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए ध्यान चंद पुरस्कार दिया जाता है। अब सभी विजेताओं की सूची देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न मिला है तो कुश्ती में बजरंग पुनिया को, तो दीपा मलिक है पैरा एथलीट्स, तो 2 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न, बजरंग पुनिया, दीपा मलिक। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की बात करें कोचों के लिए नियमित श्रेणी में, तो इसमें विमल कुमार बैडमिंटन और संदीप गुप्ता टेनिस, मोहिंदर सिंह ढिल्ले एथलेटिक्स। अब दौड़ाचा पुरस्कार आजीवन श्रेणी के लिए बात करें तो संजय भारद्वाज क्रिकेट, राम बीर सिंह खोखर कबड्डी, मेहजवान पटेल हॉकी। अब दौड़ाचा पुरस्कार की बात करें मनोज कुमार कुश्ती में, सी लाल रेम संगा तीरंदाजी में, अरूप वसक टेबल टेनिस में, नटीन किरदाने टेनिस में, मैनुअल फेडिक हॉकी में। अर्जुन पुरस्कार 2019 की बात करते हैं हम लोग। अर्जुन पुरस्कार तो एक खिलाड़ी है एक खेल है, तो पहले श्री तजेंद्र पाल सिंह तूर ये एथलेटिक्स है, मोहम्मद अनस यादिया याहिया ये एथलेटिक्स है, तो याद रखिए तजेंद्र पाल सिंह तूर और मोहम्मद अनस आहिया। अगले हमारे सी एस भास्करन ये बॉडी बिल्डिंग है, सुश्री सोनिया लाथेर ये मुक्केबाजी है, श्री रविंद्र जडेजा एक क्रिकेट से संबंधित है इनका खेल। अगले श्री चेंग लैन साना सिंह कंजू कंगू जम हॉकी से संबंधित है। श्री अजय ठाकुर ये कबड्डी से संबंधित है। श्री गौरव सिंह गिल ये मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है खिलाड़ी, और श्री प्रमोद भगवत ये पैरा स्पोर्ट्स है बैडमिंटन में, सुश्री अंजुम मुदगिल ये शूटिंग, श्री हरमीत रजोल देसाई ये टेबल टेनिस से संबंधित, सुश्री पूजा डांडा कुश्ती से संबंधित है। अगले फवाद मिर्जा ये घोड़सवारी से संबंधित हैं, गुरप्रीत सिंह संधु ये फुटबॉल से संबंधित हैं, सुश्री पूनम यादव ये क्रिकेट से संबंधित हैं, सुश्री स्वप्ना वर्मन ये एथलेटिक्स हैं, अगले श्री सुंदर सिंह गुर्जर ये पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित हैं एथलीट्स, अगले श्री भमी दीपति साई पीड़ित ये बैडमिंटन है, अगले श्री सैमरन सिंह सरगिल ये पोलो से संबंधित हैं। अगले बात करते हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात, तो आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उरी निर्देशक आदित्य थल ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिए आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, और आदित्य धर ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अगले 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म के लिए जूरी के प्रमुख राहुल रवेल द्वारा की गई थी। विजेताओं की सूची की बात करते हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की सूची, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं उरी के लिए आदित्य सर्जिकल स्ट्राइक, अगले सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित हेलारो एक गुजराती फिल्म है, अगले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अंधाधुंध के
के लिए आयुष्मान खुराना और उरी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं महानती के लिए कीर्ति सुरेश। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं चुंबक के लिए स्वानंद किरकिरे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं बधाई हो के लिए सुरेखा सिकरी। सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशक हैं KGF चैप्टर फर्स्ट। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी घूमर के लिए पद्मावत। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओंदला इरदल्ला कन्नड़ है। अगले सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है बधाई हो। पर्यावरण के मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है पैनी। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म है नाल मराठी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है पैडमैन। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सरकारी हिरिया प्राथमिक का शाला कासरगोड। स्पेशल जूरी अवार्ड श्रुति हरिहरन द्वारा साझा किया गया पुरस्कार जोसेफ के लिए जोजू जॉर्ज और सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया के लिए सावित्री चंद चून राय। अन्य पुरस्कार देखते हैं हम लोग। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसंस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन की राजधानी मनामा में बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसंस से सम्मानित किया गया। उन्हें बहरीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ दो चीजें याद रखिए ना, दो चीजें। तो नरेंद्र मोदी को मिला है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसंस और प्रधानमंत्री मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अगली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जायद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। पुरस्कार का नाम संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक जनक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर है। ऑर्डर ऑफ जायद मिला है भारत के प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला है विख्यात अभियंता पुरस्कार 2019। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक प्रभाकर सिंह को वर्ष 2019 के लिए विख्यात अभियंता पुरस्कार विजेता चुना गया। यह पुरस्कार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा दिया गया जाएगा। UEFA के प्रेसिडेंट अवार्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी एरिक कैंटोना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, तो याद रखिए UEFA के प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी एरिक कैंटोना को। अगला है स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रतिष्ठित स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे अपना पहला पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेन नॉलन आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के तहत प्रमुख मिशन है। अगली बात करते हैं भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म IM जीजा ने बी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन टी डिसेबिलिटी इश्यूज के 14वें संस्करण में पुरस्कार जीता है। तो याद रखिए IM जीजा। अगला है पुस्किन मेडल 2019। JNU के प्रोफेसर मीता नारायण को पुस्किन मेडल 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रूसी सरकार द्वारा किसी भारतीय विद्वान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पुस्किन मेडल रूसी भाषा के विद्वान और विदेश में रूसी अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुस्किन मेडल 2019। अभय भारत रत्न पुरस्कार 2019। प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख भूपेन हजारिका भारत रत्न से सम्मानित किए गए। नानाजी देशमुख भूपेन हजारिका को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत रत्न 4 साल के अंतराल के बाद से सम्मानित किया जाता है गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था।
2015 की बात अब मिला है। अगले हमारे साउथ एशियन स्पेलिंग बी बी प्रतियोगिता 2019 न्यू जर्सी के एक भारतीय अमेरिकी किशोर नवनीत मुरली ने 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया करेगा। अगला, इसरो के अध्यक्ष के सिवन को एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने के सिवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है। के सिवन वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। अगला, सीसीएमबी वैज्ञानिकों के धंगराज को जेसी बोस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर के धंगराज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जेसी वॉस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह फेलोशिप जनसंख्या और चिकित्सा जीनोमिक्स के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। जेसी वॉस फेलोशिप विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान की जाती है। बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्ध कालीन वीरता पदक वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना से राष्ट्रीय राइफल के सेपर प्रकाश यादव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। स्कोडायन लीडर मेंटी अग्रवाल, जिन्होंने 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई युद्ध के दौरान उड़ान नियंत्रक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगले, हमारे अरुण लाल को सीएबी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल को कोलकाता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बंगाल के पूर्व कप्तान राजू मुखर्जी को 2019 लाइफ टाइम अचीवमेंट देने के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन सीएबी ने अंततः लाल को चुना। अगली बात है, सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री शो ईयर्स ऑफ क्राइसोसिस्टम को गिनीज वर्ल्ड प्राप्त हुआ। सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एक जीवनी संबंधी डॉक्यूमेंट्री 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोसिस्टम ग्रीन अवार्ड मिलेगा। 100 ईयर ऑफ क्राइसोसिस्टम फिलिपोस मार क्राइसोसिस्टम के जीवन पर आधारित है, जिसे फिल्म निर्माता विलेसी ने लिखा है और निर्देशित किया है। 48 घंटे 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ने 21 घंटे की सऊदी अरब की डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड ऑफ स्नेक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला, हमारा वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 में राजस्थान ने पुरस्कार जीता है। राजस्थान ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 में उच्च शिक्षा में अपनी उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार जीता है। अगले, हमारे पीएम चटर्जी फ्रेंच सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय शेफ बने। फ्रांस की सरकार द्वारा भारत में गैस्ट्रोनॉमी दृश्य को फिर से स्थापित करने के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए पीएम चटर्जी से लियर डेला ओडे डू मेरी टेरी कोलेटो से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए। चटर्जी को अपने मूल राज्य पश्चिम बंगाल से पारंपरिक व्यंजनों को फिर से लाने और इसे एक फ्रांसीसी मोड़ देने के लिए जाना जाता है। अगला है, लियोनेल मेस्सी ने सीजन अवार्ड 2018-19 का यूईएफए गोल्ड जीता है। बार्सिलोना के लियोनेल मेस्सी को लिवरपूल के खिलाफ फ्री किक के लिए यूईएफए गोल ऑफ द सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, इसरो ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार 2019 की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में इसरो पत्रकारिता में पुरस्कार की दो श्रेणियां प्रदान करता है। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान अनुप्रयोगों और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाले पत्रकारों को
पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की। अगला है हमारा बाफ्टा ला ने स्टीव कूगन को चार्ली चैपलिन पुरस्कार के साथ को सम्मानित किया है। एक्टर स्टीव कूगन को ब्रिटिश एकेडमी की लॉस एंजल्स शाखा द्वारा चार्ली चैपलिन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 2019 के ब्रिटानिया अवार्ड्स के दौरान सम्मान प्राप्त होगा। अगले हमारे राष्ट्रपति कोविंद को गिनी गणराज्य के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत और गिनी के बीच समग्र संबंधों की प्रगति और आपसी सहयोग के विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। गिनी के अध्यक्ष हैं अल्फा कोंडे। गिनी की राजधानी है संक्राचार। गिनी की मुद्रा है गिनी फैंक। अगली बात करते हैं भारत के ट्रांससेक्सुअल महिला नाज जोशी को मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का ताज पहनाया गया। यह कार्यक्रम मॉरिशस के पोर्ट लुई में आयोजित किया गया था। मिस इंग्लैंड 2019 भाषा मुखर्जी एक 23 वर्षीय भारतीय मूल की डॉक्टर को मिस इंग्लैंड 2019 का ताज पहनाया गया है। अब रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2019 की बात करें तो रवीश कुमार को बेजवान को आवाज देने के लिए पत्रकारिता को काम में लाने के लिए 2019 रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2019 रवीश कुमार को दिया गया। पुरस्कार के अन्य विजेता हैं को सोएबिन ये म्यांमार के हैं। वह एक मानवाधिकार संरक्षक और म्यांमार नाव समाचार एजेंसी के मुख्य संपादक हैं। अंग खाना नील फजी थाईलैंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता और दक्षिणी थाईलैंड में एक प्रमुख मानवाधिकार रक्षक हैं। अगले हैं रेमोंडे पुजांते के याब फिलीपींस के एक संगीतकार जिन्होंने फिलीपींस विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में सेवा की है और पूरे देश में हजारों छात्रों के लिए निःशुल्क कार्यशालाएं आयोजित की हैं। अगला है किम जोंग की युवाओं में हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता और दक्षिण कोरियाई कृषि आंदोलन के नेता हैं जिन्होंने बंजर भूमि की खेती को का बीड़ा उठाया और अपने काम के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि किसान के रूप में जीवन पूर्ण और उत्पादक हो सकता है। मैक्सेस पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया था और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैक्सेस पुरस्कार की स्मृति और नृत्य के उदाहरण के रूप में मनाया जाता है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में जाना जाता है। अगला है हमारा कपिल देव को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व बंगाल क्लब ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव को उनके सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से सम्मानित किया है। अगला है डीडी न्यूज चैनल ने चैंपियन ऑफ एम्पैथी पुरस्कार जीता। डीडी न्यूज हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पुरस्कार प्राप्त किया है। तो याद रखिए कपिल देव को मिला है भारत गौरव। डीडी न्यूज चैनल ने चैंपियन ऑफ एम्पैथी पुरस्कार जीता। अगला हमारा रूहान राजपूत को अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। एक प्रसिद्ध उद्यमी इनफोल्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक और निदेशक रूहान राजपूत को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगली बात करते हैं रूहान के को व्यापार उद्योग में उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए स्वीकार किया गया था। उन्होंने कंपनी ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है। अब जुलाई 2019 की बात करें पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। बोपन्ना जिन्होंने एशियाई खेल में 2018 में टेनिस पुरुषों की डबल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था और मंधाना वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ आईसीसी महिला खिलाड़ी थी। सचिन तेंदुलकर छठे भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के बल्लेबाज आइकॉन सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीकी के तेज गेंदबाज
एलन डोनाल्ड और दो बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सूची में अन्य भारतीय बेसंत सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। अगला है हमारे सुदर्शन पटनायक ने यूएस में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रतिष्ठित रेत मूर्ति कला महोत्सव में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। 2019 रिवर बीच अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव बोस्टन में आयोजित किया गया था। अगला है मोहन बागान रत्न पुरस्कार। केशव दत्त पिसून जो पिसून बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया। अगला है हमारा IAAF बायोगद्यपिन के लिए नामित पीटी उषा। पूर्व ओलंपिक ट्रैक और फील्ड एथलीट पीटी उषा को अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघों के दिग्गज पिन के लिए नामित किया गया। पीटी उषा विश्व एथलेटिक्स में योगदान के लिए लंबी और सराहनीय सेवा के लिए नामित की गई। अगला है CSR का जनरल एक्सीलेंस अवार्ड। CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड के तीसरे संस्करण ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए 6 कंपनियों को सम्मानित किया है। इसका आयोजन विषय इंडिया फर्स्ट था। पुरस्कार विजेता हैं यस बैंक लिमिटेड ने स्वास्थ्य और स्वच्छता श्रेणी में जीत हासिल की है, आदित्य बिड़ला ने कैपिटल लिमिटेड ने खेल श्रेणी में, टाटा पावर ने शिक्षा और कौशल श्रेणी में, रिन्यू पावर ने महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण क्षेत्र में जीत हासिल की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पर्यावरण श्रेणी में जीत हासिल की है, हिंदुस्तान जिंक ने कृषि और ग्रामीण विकास श्रेणी में जीत हासिल की है। आदित्य ये देख लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा श्रेणी में यस बैंक, आदित्य बिड़ला है खेल में, टाटा पावर ने शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, रिन्यू पावर है महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण, महिंद्रा एंड महिंद्रा है पर्यावरण, हिंदुस्तान जिंक है कृषि और ग्रामीण विकास श्रेणी। अगला है हमारा मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर शहर की 21 वर्षीय लड़की विदिशा बालियान को मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के मम्बे वेला में हुआ था। वह एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक भी जीता। तो यह विदिशा बलियान वालियान मिस डेथ डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब मिला है। हमारा फाटा गोल्ड अवार्ड 2019 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का अतुल्य भारत का फाइंड द एंकी डिवल यू अभिनेत अभियान ने PATA पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2019 जीता है। इसमें मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार। विख्यात कैश निष्ठा सामाजिक उद्यमी और समाजसेवी प्रियदर्शनी जैन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम की संसद लंदन में प्रतिष्ठित इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रियदर्शनी जैन ने दुनिया भर में 50 से सबसे प्रभावशाली भारतीय महिलाओं पर कॉफी टेबल बुक का शानदार अनावरण किया है। इस पुस्तक में उन्हें भारत की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। प्रिया प्रियदर्शनी जैन। अगला है हमारा 10वां 2019 संगीत कला निधि पुरस्कार। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक एस सौम्या ने संगीत अकादमी का 2019 का संगीत कला निधि पुरस्कार जीता है। हम बात करते हैं ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2019। ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड अनुभवी अभिनेता मेरिल स्टीव अमेरिकी को 2019 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा सार्क फिल्म
उत्सव नगर कीर्तन ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जीता है। बंगाली फिल्म नगर कीर्तन ने शार्क फिल्म समारोह में 4 पुरस्कार जीते। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित की गई। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार ना बोल बोले बुहराम, नवोदित निर्देशक नितेश पाटन की 20 मिनट की फिल्म को दिया गया। निर्देशन और कहानी के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड प्रवीण मूर्छल्ले द्वारा वॉकिंग विद द विंड को दिया। सार्क फिल्म महोत्सव के बारे में बताएं तो सार्क फिल्म का नौवां संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगला है भारत की ईसा कंठ ICJ इंटर्नशिप प्रोग्राम में चुनी गई है। दिल्ली की ईसा कंठ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम हासिल करने वाली दुनिया की 2 व्यक्तियों में से एक हैं। सुश्री कंठ जो वर्तमान में क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रही हैं, ने पहले ग्रामीण से बिहार में शिक्षा के अधिकतर हाशिए के वर्गों के बच्चों के बीच महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया है। अगला है हमारा मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में ला ट्रोब यूनिवर्सिटी किंग खान को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करेगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को मेलबर्न स्थित ला ट्रोब विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा, जो भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के 10वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के बंदोरा में आयोजित किया जाएगा। ये उपलब्धि उन्हें मनोरंजन की दुनिया में अहम योगदान देने व गरीब बच्चों की मदद और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम की वजह से दिया जा रहे। IOC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर शरत कमल को वार्षिक इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स एंक्लेव में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। शरत कमल भारत के तमिलनाडु से एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अगला है वेस्ट इनोवेशन अवार्ड। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने जंगली हाथियों को ट्रेन की पटरियों से दूर रखने के लिए अपनाई गई अनूठी रणनीति के लिए वेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीता है। अगला है गली बॉय ने बुची ऑन फिल्म महोत्सव में NTEPSC अवार्ड जीता है। फिल्म निर्माती जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म गली बॉय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 23वें बुची ऑन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में नेटवर्क ऑफ द प्रमोशन ऑफ द एशियन सिनेमा अवार्ड जीता है। अगला है हमारा 2019 वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच ने घोषणा की मास्टर कार्ड के CEO और अध्यक्ष अजय बंगा और विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी को 2019 वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला है नालको उत्कृष्ट CS आर के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को सामाजिक विकास में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोष के उपयोग के हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। नालको ने BPL परिवारों की लड़कियों की को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में एक योजना अली 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 जिया की शुरुआत की थी। नालको उड़ीसा में स्थित एक नवरत्न कंपनी है। अब जून 2019 की बात करें तो यूके इंडिया अवार्ड 2019 मार्क टूली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार सर मार्क टूली को यूके भारत के बीच के संबंधों में उनके योगदान के लिए लंदन में आयोजित यूके इंडिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार है स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मंच एक नया प्लेटफॉर्म जो वैश्विक दीर्घकालिक विकास को तीव्र करने के लिए पूंजी आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को मिलता है। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर कुणाल नेयर जो अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी पर राजेश कुथरापल्ली के रूम में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अगला है मार्केट एंट्रेंस ऑफ द ईयर श्रेणी ओ भारतीय अतिथित स्टार्टअप सामाजिक विभाव श्रेणी ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी। अगला है हमारा IIT कानपुर ने गोपी चंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। IIT कानपुर अपने 52वें
52वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मुख्य बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला हमारा रेड इंक अवार्ड। टेवियोन की रिपोर्टर ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेड इंक अवार्ड जीता है। द टिब्यून की रचना खेरा को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रेड इंक पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने UIDAI और उसके आधार डेटा कैच के कार्यों को उजागर करने के लिए पुरस्कार जीता है। दो सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र टाइम्स के दीनू लाड़दीव और मुंबई मिरर के सेविस्टियन डिसूजा को संयुक्त रूप से इस वर्ष के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार भारतीय पत्रकारिता में अच्छी गुणवत्ता रिपोर्टिंग और विश्लेषण, निष्पक्ष व्यवहार और उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है हमारा भारतीय इंजीनियर ने यूके में इनोवेशन अवार्ड जीता है। एक भारतीय इंजीनियर नीतीश कुमार जांगी ने लंदन में पीपुल्स श्रेणी में 2019 राष्ट्रमंडल महासचिव का इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। नीतीश कुमार जांगी ने समय से पहले जन्मे बच्चों की रेस्पिरेटरी डिस्टेस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों से निपटने के लिए एक श्वसन में सहायक उपकरण सॉन्स बनाया सांस बनाया याद रखिए सांस। अगला हमारा 22वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मलयालम फिल्म को पुरस्कार मिला है। वेल मारंगल ट्रीज अंडर द सन शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। फिल्म का निर्देशन बीजू कुमार दामोदरन ने किया है। अगला भारतीय महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का ताज जीता है। भारत में जन्मी प्रिया सिराओ ने वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है। अगला कपिल शर्मा भारत और विदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन बने। कॉमेडियन अभिनेता कपिल शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भारत और विदेश में सर्वाधिक देखा जाने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन माना गया। अगला मालदीव ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च पुरस्कार निशान इजुद्दीन प्रदान किया है। मालदीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाद इजुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यह विदेशी नागरिकों को सम्मान करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। मिस इंडिया 2019 राजस्थान की सुमन राव ने नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में सितारों से भरे एक समारोह के दौरान फीमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 की सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने फीमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता है और बिहार की शेयर शंकर ने सौंदर्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फैनाले के दौरान मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 खिताब जीता है। अगली बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदेशियों के लिए मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हमारे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किर्गिस्तान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका शीर्षक है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान ने 19वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो SCO की शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किर्गिस्तान ने। अगला हमारा भारतीय इंजीनियर ने सतत विकास के लिए नवाचार पुरस्कार जीता। नीतीश कुमार जांगिड नामक एक भारतीय इंजीनियर ने लंदन यूनाइटेड किंगडम में 2019 राष्ट्रमंडल महासचिव सतत विकास के लिए नवाचार पुरस्कार जीता है। उन्होंने आम लोगों की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता जो समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए सांस नामक कम लागत वाली श्वास लेने में सहयोगी उपकरण बनाने के लिए लिया है। ये पहले भी देख चुके हम। तो नीतीश कुमार जांगिड है। अगला हमारा अमिताव घोष 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखक बने। प्रसिद्ध लेखक अमिताव घोष को अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने पुरस्कार से सम्मानित किया।
अगली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज। ओमान जोखा के लेखक अल हर्ती ने सेलेस्टियल बॉडीज के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता है, जो एक मरुस्थलीय देश की 3 बहनों की कहानी है, जो अपने गुलाम अजीत अतीत और जटिल आधुनिक दुनिया का सामना कर रही है। अगला यूनिसेफ द्वारा मानवीयता पुरस्कार से सम्मानित होंगी प्रियंका चोपड़ा। बाल अधिकारों के लिए वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ स्नोफ्लेक वॉल में यूनिसेफ द्वारा डेनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अगला है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को मिला है WHO पुरस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को पहचान देने के लिए उसको इस पुरस्कार के लिए चुना है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए एक समारोह में पुरस्कार दिया गया। राज्य का स्वास्थ्य विभाग देश का एकमात्र सरकारी निकाय है जिसने तंबाकू मुक्त पहल के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा GC डेनियल अवार्ड। मलयालम अभिनेता शीला जेसी ने मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है। 2005 में अरन मोला पोनम्मा के बाद वह इसे पाने वाली केवल दूसरी महिला है। अगला अक्षय पात्र ने BBC पुरस्कार जीता है। एक गैर लाभकारी संगठन अक्षर पात्र को BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन परियोजना में से एक है। अगला है 2019 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। भारत में जन्मे गूगल के CEO सुंदर पिचाई और नैस्डैक अध्यक्ष एडेना फीडमैन सुंदर पिचाई और फीडमैन को प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। अगला है हमारा ऑटोमोबाइल मेजर महिंद्रा ने अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड जीता है। डीलरों के अपने नेटवर्क के बीच विभिन्न संकेतकों पर निष्पक्षता के लिए जिसमें संतुष्टि का स्तर वाहनों के आवंटन का तरीका शामिल है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सस्कावा पुरस्कार 2019। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का सस्कावा अवार्ड 2019 भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेमी कार्टर को स्टेट्स मैनशिप अवार्ड मिला है। जेमी कार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने USA और चीन के बीच संबंधों में उनके योगदान के लिए इनॉगरल स्टेट्स मैनशिप जॉर्ज HW बुश पुरस्कार जीता है। अगला किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने एमनेस्टी पुरस्कार जीता। स्वीडन के 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने विश्व जनमत में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस पुरस्कार 2019 जीता है। अगला हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय योग मीडिया सम्मान। योग के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार प्रसार के लिए मीडिया द्वारा किए गए योगदान के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान नामक एक नया पुरस्कार शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल आयोजित किया जाता है। अब मई 2019 के पुरस्कारों की बात करें तो मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले की जांच टीम का नेतृत्व करने वाले IPS अधिकारी छाया शर्मा को शौर्य और नेतृत्व के लिए 2019 मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है CEAT क्रिकेट रैंकिंग पुरस्कार 2019 की। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर विराट कोहली, इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर जसमीत बुमराह, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, इंटरनेशनल T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान, इंटरनेशनल वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर आरोन फिंच। अगला है हमारा कपिल शर्मा को भारत और विदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में स्वीकार किया गया। कॉमेडियन अभिनेता कपिल शर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भारत और विदेशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में स्वीकार किया गया। अगला है हमारा श्यामा
स्वर्ण को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान दें कि भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरन जो 2004 से 2006 के दौरान भारत के विदेश सचिव थे, वे रणनीतिक साझेदारी के लिए जापान भारत संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखिए, श्याम सरन को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को बागवानी के लिए पुरस्कार। एन कुमार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को भारत के बागवानी संगठन संघ द्वारा आजीवन मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कृषि में मानव संसाधन विकास एवं केंद्रित बागवानी और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला है भारती एक्जा के दावा उत्कृष्टता पुरस्कार। भारती एक्जा जीवन बीमा एक निजी जीवन बीमा करता जो FICCI दावा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है नेपाल की 18 वर्षीय लड़की ने सबसे लंबे समय तक नृत्य करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेपाल की एक 18 वर्षीय लड़की ने वंडाना ने एकल व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने केवल 126 घंटे तक लगातार नेपाली संगीत का नृत्य किया है। उसने भारत के कलामंडलम की हेमलता, जिन्होंने 2011 में 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया था, के द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने शासकीय नृत्य रूप मोहिनी अट्टम का प्रदर्शन किया था और 37 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड बनाया था। तो याद रखिए, हेमलता है भारत की। अगला है CBSE को 22 फरवरी 2019 को उत्कृष्ट ऑनलाइन सेवा श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो है CBSE। अगला है हमारा ग्लोबल बुक प्राइज 9 डॉट्स भारतीय लेखी एनी जैदी को 2019 के 1 लाख US डॉलर के पुरस्कार 9 डॉट्स के विजेता के रूप में घोषित किया गया, जो दुनिया भर के समकालीन मुद्दों को संबोधित करने वाली अभिनव सोच को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उसने अपने प्रविष्ट ब्रेड 7 फैक्ट्स के लिए पुरस्कार मिला है, जो भारत में समकालीन जीवन के अपने अनुभव में अपने में घर की अवधारणाओं का पता लगाने के लिए संस्मरण और रिपोर्टताज का संयोजन है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग में अनेक योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवलियर डी आईओल्ड नेशनल डी ला लीजन डी होनेर से सम्मानित किया गया। अगला है बीके कृष्णन मेनन पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार जी डी रॉबर्ट गोविंदर को राजनीतिक स्वाधीन पत्रकारिता के विवर्तन के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वेटेन में 2019 बीके कृष्णन मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं हम लोग अप्रैल 2019 के पुरस्कारों की बात। तो पहला है हमारा पुलित्जर पुरस्कार 2019। फैक्शन के लिए रिचर्ड फॉर्ब्स की द ओवर स्टोरी। नाटक के लिए मिला है जैकी सेवलिस ड्यूरी की फियर व्यू। और कविता के लिए मिला है फॉरेस्ट गेंडर की विद। संगीत के लिए मैं फिजिम एलेन रीड। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताएं, पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता और साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। यह वर्ष 1917 में अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में दिए प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने अखबार विकासक के रूप में अपना भाग बनाया था। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित है। अगला है हमारा वर्ल्ड फेस फोटो अवार्ड 2019 जॉन मूरे को। रोते हुए एक छोटी लड़की, क्योंकि उसे
और उसकी मां को अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने टेक्सास में हिरासत में ले लिया की तस्वीर ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। गेटी के अनुभवों और फोटोग्राफर जॉन मुरे ने जून 2018 में रियो ग्रांड वैली में तस्वीर ली थी। डच स्वीडिश फोटोग्राफर पीटर टेन ऑफमैन ने अमेरिकी सीमा पर 2018 जन प्रवासी काफिले की तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2018। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनकी कविता संग्रह पक्काकी टी गिलेटे के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 प्रदान किया गया। पुरस्कार वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, पश्चिम बंगाल सरकार के दो योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। पश्चिम बंगाल की दो कौशल विकास योजना उत्कर्ष बंगला और छात्रों को साइकिल वितरण योजना सबूज साथी ने संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता है। तो यह उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी। उत्कर्ष बंगला योजना का उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों का एक समूह बनाना है जो उद्योग के लिए तैयार है, और जबकि सबुज साथी योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित तो और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में पढ़ाई करने वाले 9वीं और 12वीं कक्षा के बीच छात्रों को साइकिल वितरित की जाती है। अगला, हमारा इंडियन ऑयल ने उत्कृष्ट PSU के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जीता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष के उत्कृष्ट PSU के लिए प्रतिष्ठित AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को प्रदान किया गया। अगला, प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में साधारण असाधारण सेवाओं के लिए रूस के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ए पोस्टल से सम्मानित किया गया। यह सातवां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। अगला, नमामि गंगे को विश्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक सम्मान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लंदन में आयोजित वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक ऑफ वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का सम्मान प्रदान किया गया। ग्लोबल वाटर अवार्ड वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में प्रदान किए जाते हैं जो दुनिया भर में जल उद्योग के लिए प्रमुख व्यापार सम्मेलन है। अगला, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019। प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर हैं। लोकप्रिय पटकथा लेखक सलीम खान और डांसिंग डीवा हेलेन को प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अवार्ड सलीम खान को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष योगदान मधुर भंडारकर और विशेष पुरस्कार हेलेन। अब बात करते हैं 2019 टैगोर साहित्य पुरस्कार। यह राणा दास गुप्ता रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का दूसरा संस्करण लेकर राणा दास गुप्ता को उनके वर्ष 2010 के उपन्यास सोलो के लिए प्रदान किया गया। यह उपन्यास मन मुटाव भौतिक अस्तित्व की बुनियादी विफलता की कहानी है। तो याद रखिए 2019 टैगोर साहित्य पुरस्कार राणा दास गुप्ता को मिला है सोलो उपन्यास के लिए। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। भारत की पुनर्वीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एलिस जी वैद्यन को भारत और ब्रिटेन के बीच सीमा संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति उनके काम के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन मिला है एलिस जी वैद्यन। अगला है हमारा ईखा मांगा अवार्ड 2019। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जेक्स केलिस को सिल्वर डिवीजन में ऑर्डर ऑफ ईखा मांगा से सम्मानित किया गया। नोट, यह राष्ट्रीय सम्मान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने कला साहित्य संगीत और पत्रकारिता संस्कृति और खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019। डॉक्टर बेनी एंटनी को टॉप इंडिविजुअल फॉर पेमेंट्स एंड
कॉमर्शियलाइजेशन श्रेणी में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। अगला हमारा किलुई लैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्रीनाथ को जीव विज्ञान प्रणाली और वैश्विक मुद्दों और सतत विकास के अनुप्रयोगों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित किलुई लैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। अगला नेशनल आईपी अवार्ड 2019, केरल कृषि विश्वविद्यालय की बौद्धिक संपदा अधिकार सेल को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। अगला हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो, पाकिस्तानी अखबार डॉन के संपादक और समीक्षक सीरिल अल्मेडा ने वर्ष 2019 में आईपीआई इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है। उन्होंने पाकिस्तान में नागरिक सैन्य संबंधों के लिए संकटपूर्ण और कठिन कवरेज के लिए पुरस्कार जीता है। अगला हमारा यूएन मेडल ऑफ ऑनर, दक्षिण सूडान ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवारत 150 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। अगला हमारा यूके रॉयल सोसाइटी सम्मान, सैफला के अध्यक्ष यूसुफ हमीद को यूके रॉयल सोसाइटी सम्मान मिला है। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, विशेष पुलिस आयुक्त सुनील कुमार गौतम को उनकी पुस्तक संविधान काव्य के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला है ग्लोबल टेक प्राइज, भारत के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन ने तंजानिया और मिस्र के अन्य विजेताओं के साथ $25,000 का टेक प्राइज जीता है। यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा संचालित नेक्स्ट बिलियन एड डे टेक प्राइज 2019 ने विश्व के निम्न आय और उभरते देशों में शिक्षा पर मौलिक प्रभाव डालने वाली सबसे नवीन प्रौद्योगिकी को सम्मानित किया है। अगला हमारा सेलेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड, फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्तीय समावेशन की श्रेणी में छोटे व्यवसायों तक पहुंच के लिए ऋण देने की प्रक्रिया की पुनर्रचना हेतु प्रतिष्ठित सैलेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला हमारा विश्व फेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019, रॉय ट्रैश के पत्रकारों क्यों क्यों रोय ओ और वा लोन पुरस्कार के लिए चुना गया। विश्व फेस प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार पी यूनेस्को गिलरमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में म्यांमार में 7 वर्ष जेल की सजा काट रहे हैं क्वेन क्या शोए और वो और बुवा लें लोन। अगला हमारा एशिया में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच 2019, इंडोनेशिया की यानी नोरेन को एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा कम दूरी की दौड़ की श्रेणी में वर्ष 2019 में एशिया की सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच चुना गया है। अगला हमारा विराट कोहली को विजडन का लैंडिंग क्रिकेटर चुना गया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लगातार तीसरी बार विजडन अलमनेक का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला हमारा स्मृति मंदाना को विजडन की लैंडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को विजडन अलमनेक की लैंडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया। यूएई ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित जायद मेडल से सम्मानित किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान किया है। यह पुरस्कार राजाओं राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुखों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
अगला वाला ग्लोबल हेल्थ अवार्ड विक्रम पटेल को मिला है। प्रोफेसर पटेल को विश्व की प्रमुख वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2019 जॉन डर्क कनाडा गेयर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला हमारा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी हीरो मोटो कॉर्प के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पुंजाल को एशियाई गोल्ड गोल्फ के लिए एशियन टूर द्वारा विशेष उपलब्धि पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं मार्च 2019 के पुरस्कारों की या सम्मान। तो प्रवासी भारतीय सम्मान, स्विट्जरलैंड निवासी प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जोशी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वोडले अवार्ड, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त सेन को प्रतिष्ठित वोडले मेडल से सम्मानित किया गया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला है क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भारत और क्रोएशिया के बीच आपसी संबंधों के विकास और आपसी सहयोग के विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिंडा गेवर किटेरोविक द्वारा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमी स्लाविद सेस एंड ग्रैंड स्टार से सम्मानित किया गया। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेव, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। अगला है 2019 के लिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, फ्रांस में धार्मिक संप्रदाय के सदस्य पीटर तबीची को दुबई में आयोजित एक समारोह में 2019 का प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार दिया गया। पीटर तबीची अपने मासिक आय का 80% गरीबों में देते हैं। यह पुरस्कार केन्या की रिफ्ट वैली के दूरस्थ भाग में विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की असाधारण प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। अगला 64वां फिल्म फेयर अवार्ड, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा जियो गार्डन बी के सी मुंबई में की गई। विजेताओं की सूची रही सर्वश्रेष्ठ फिल्म राय मेघना गुलजार, निर्देशित राजी, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है महिला में फिल्म राजी के लिए आलिया भट्ट, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है पुरुष फिल्म संजू के लिए रणवीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है फिल्म राजी के लिए मेघना गुलजार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए क्रिटिक्स अवार्ड अंधाधुन के लिए, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है फिक्शन रोमन रोगन जोश, और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है द नॉन रिफ्लेक्शन द सोकर सिटी। अगला है हमारा व्यास सम्मान 2019, हिंदी लेखक लीलाधर जागुड़ी को वर्ष 2013 में प्रकाशित अपनी कविता जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और इसे वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के धंगल गांव में जन्मे श्री जगूड़ी को वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा अवेल पुरस्कार 2019, टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करेन उल ओहेलेन बेक अबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। यह नॉर्वे के राजा द्वारा एक या अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वे का पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम 9वीं शताब्दी के नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक अबेल के नाम पर रखा गया है। अगला है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। तो इसमें पुरस्कार है इस प्रकार, भारत का सर्वे सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश को लगातार तीसरी वर्ष के लिए पुरस्कार मिला है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर टॉप वन में और इसे तीसरे वर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कर्नाटक का मैसूर है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कर्नाटक का मैसूर है। सबसे स्वच्छ बड़ा शहर है अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ बड़ा शहर चुना है। सबसे स्वच्छ मध्यम शहर उज्जैन को सबसे स्वच्छ मध्यम शहर का दर्जा दिया गया, जिसकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच है। अगला हमारा सबसे स्वच्छ सबसे छोटा शहर, तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार जीता। वेस्ट गंगा टाउन, तो उत्तराखंड के गोचर को वेस्ट गंगा टाउन चुना गया। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया। फास्टेस्ट मूविंग बिग सिटी, रायपुर ने फास्टेस्ट मूविंग सिटी बिग सिटी अवार्ड जीता है।
और फर्स्ट टेस्ट मूविंग मीडियम सिटी मथुरा वृंदावन ने फर्स्ट टेस्ट मूविंग मीडियम सिटी का अवार्ड जीता है। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मिला है। दूसरे स्थान पर झारखंड और जबकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तो याद रखिए राज्यों के प्रदर्शन में है छत्तीसगढ़ पहले पे, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ये अगला है यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान द्वारा आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया। अगला हमारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि डॉक्टर ऑनोरिस कोसा की उपाधि भारतीय उपराष्ट्रपति को भारत के में कानून के नियम, लोकतंत्र और सतत विकास में उनके योगदान के को सम्मानित करने के लिए दी गई है। अगला हमारा न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री की सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप। रियो पैरा ओलंपिक्स की रजत पदक विजेता दीपा मलिक को उनके प्रेरणादायी उपलब्धियों के सम्मान में वर्ष 2019 की न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री सर एडमंड हेलेरी फेलोशिप प्रदान की गई। अगला हमारा श्री वेंकैया नायडू यूनिवर्सिटी ऑफ पीस से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है हमारे चमेली बेन चमेली देवी जैन अवार्ड। बीबीसी की द्विभाषी संवाददाता प्रियंका दुबे को वर्ष 2018 की उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों को प्रमाणित कार्य समूह के माध्यम से उत्कृष्ट पत्रकारिता मानकों को बनाए रखने के में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है हमारा पित्जर पुरस्कार प्राइज 2019। जापानी वास्तुकार अराता आइसो जाकी ने पृथ्वीकर प्राइज 2019 प्राप्त किया है। वह विजय पृथ्वीकर पुरस्कार जीतने वाले 46वें पुरस्कार विजेता जापान के 8वें वास्तुकार हैं। पृथ्वीकर पुरस्कार उन जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जिनके निर्माण कार्य कार्य उन लोग गुणों के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 1979 में हायात फाउंडेशन के माध्यम से शिकागो के पृथ्वीकर परिवार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की। अगला है हमारा टैम्प लटन पुरस्कार 2019। ब्राजील के भौतिक विज्ञान और खगोलविद मार्सेलो ग्लेइजर को 2019 के टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है हमारा विंड हम कैंपवेल पुरस्कार। एक भारतीय पत्रकार, लेखक और द वायर के प्रमुख रघु कर्नाड को प्रतिष्ठित विंड हम कैंपवेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला अभिनव उत्पाद के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019। नए समय को डिजिटल बीमा कंपनी ACKO जनरल इंश्योरेंस को उनके प्रासंगिक सूक्ष्म बीमा उत्पाद ओला राइड इंश्योरेंस के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। अगला है भारत ने बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में पहला पुरस्कार जीता। अगला एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी पद्म नाभन गोपालन वेस्ट के संस्थापक हैं, इन्हें मिला है एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। अगला है हमारा इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा अवार्ड TVS मोटर कंपनी को मिला है। अगला है तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार। एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक इंडियन बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में को एक तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 के विश्व की सर्वाधिक नीति परक कंपनी टाटा स्टील बनी। अगला नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को मिला है। अगला मिसाइल सिस्टम अवार्ड। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने वर्ष 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में चुना है। वेस्ट डोमेस्टिक वाटर फ्यूरी फायर 2019 कैंट रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने वेस्ट डोमेस्टिक वाटर प्यूरी फायर अवार्ड 2018-19 प्राप्त किया। अगला स्कॉच अवार्ड 2018 उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड 2018 प्राप्त किया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 56वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। अगला है भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा शुरू किए गए पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखिए, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार मिला है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। बात करते हैं फरवरी 2019 के पुरस्कारों की। तुम्हारा है ऑस्कर अवार्ड 2019 की घोषणा ही। हॉलीवुड अमेरिका के डॉल्बी थिएटर 91वें एकेडमी अवार्ड की घोषणा की है। विजेताओं की सूची पूरी इस तरह है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पीटर फेरेली द्वारा निर्देशित ग्रीन बुक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मुख्य भूमिका ओलिविया कोलमैन फिल्म द फेवरेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मुख्य भूमिका में रामी मालिक फिल्म है बोहेमियन रेपेसोडी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है रोमा के लिए अल्फोंसो क्यूरोन। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है रोमा मेक्सिको से अल्फोंसो क्यूरोन की रोमा। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस रेखा जिताबची और मेलिसा बर्टन। भारत की पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने 91वें ऑस्कर अकेडमी अवार्ड में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। यह फिल्म भारत की मासिक धर्म के कलंक की कहानी बताती है। यह रेखा जिताबची द्वारा निर्देशित है। अब बात करते हैं हम लोग गांधी शांति पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2015, 16, 17, 18 के लिए गांधी पुरस्कार जीते हैं प्रदान किए हैं। तो याद रखिए, वर्ष 2000 के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को ग्रामीण विकास शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में अपने योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। 2016 के लिए मिला है भारत में लाखों बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने में योगदान के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और एवं हाथ से सड़क का कूड़ा उठाने वाले वाले दायित्व मुक्ति के लिए सुलभ इंटरनेशनल रूप से प्रदान किया गया। अगला हमारा 2017 के लिए भारत के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण और जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने ग्रामीण सशक्तिकरण लिंग और सामाजिक असमानता में योगदान के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया। वर्ष 2018 के लिए भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन के योगदान के लिए जापान के योएई सासाकावा को दिया गया। अब हम बात करते हैं मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। विख्यात भारतीय नाटककार महेश एल कुंचवार को इस वर्ष के मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। अगला है एएचएफ प्लेयर ऑफ द ईयर। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 2018 फिल्म प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। महिला टीम की स्ट्राइकर लालरे मसियामी ने राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला हमारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता हैं, पहला स्थान महाराष्ट्र की श्वेता उमरे, दूसरा स्थान पर कर्नाटक के अंजनाक्षी एमएस, तीसरा स्थान बिहार की ममता कुमारी। कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विकसित खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला है फीचर फॉर नेचर अवार्ड। दिव्या कर्नाड समुद्र तट पर संरक्षण के अपने काम के लिए फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह डॉक्टर चारुदत्त मिश्र के बाद पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय हैं। यह एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो जंगली जानवरों घोड़ और पौधों की प्रजातियों की रक्षा में उपलब्धियों को सम्मानित करता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए राज्यों की सूची में महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रहा है।
महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण पुणे को भारत में सर्वश्रेष्ठ जल नियामक निकाय घोषित किया गया है। गुजरात और आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। पुरस्कार नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किए गए। तो इसमें याद रखिए, महाराष्ट्र पहले में, सबसे ऊपर, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा महाराष्ट्र राज्य सरकार का शिव छत्रपति पुरस्कार, मलखंब कोच उदय देश पांडे और महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना को दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार, तो यह अब्दुल अजीज मोहम्मद मोहम्मद ये सूडानी शरणार्थी है। अगला हमारा फुटबॉल रत्न पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए अभी तक सर्वाधिक स्कोर करने वाले सुनील छेत्री को दिल्ली में खेल का संचालन करने वाली संस्था फुटबॉल दिल्ली द्वारा पहली बार फुटबॉल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हमारा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2019, लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड उन लोगों की उपलब्धियों को का सम्मानित करता है जिन्होंने खेल या खेल के माध्यम से समाज में एक अद्भुत योगदान दिया हो। इसमें पुरस्कारों की सूची है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, टेनिस खिलाड़ी। फिर स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर तो सिमोन वाइल्स हैं, अमेरिका की हैं, जिमनास्टिक। अगला है कमबैक ऑफ द ईयर है, इसमें टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला है बैक थ्रो ऑफ द ईयर तो ये नाओमी ओसाका जापान के टेनिस खिलाड़ी। टीम ऑफ द ईयर तो ये फ्रांस की विश्व कप टीम फुटबॉल। अगला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आर्सेने वेंगर फ्रांस के हैं, ठीक है। तो ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, और इसी में स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड एनजीओ युवा भारत को मिला है। एनजीओ युवा के बारे में बात करें तो एनजीओ युवा को वर्ष 2019 के लिए लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनजीओ युवा ग्रामीण झारखंड में गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए विशेष रूप से काम करती है। एनजीओ चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास विश्वास और साहस पैदा करने के लिए खेल और शिक्षा का उपयोग करती है। एनजीओ युवा की स्थापना वर्ष 2009 में तब हुई जब अमेरिका के फ्रेंच गेस्टलर दिल्ली से झारखंड गए। अब बात करते हैं हम सेओल शांति पुरस्कार 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को सेओल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दक्षिण कोरियाई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक विकास और मानव विकास हेतु उनकी सेवा को सम्मानित करने के लिए सेओल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी पुरस्कार के 14वें प्राप्तकर्ता हैं। अगली बात करते हैं स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता है। स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2017 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए थे। अगला हमारा 14वां, अगला वर्ष 2018 एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भारत आयसर मोटर्स के सीईओ और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ लाल को वर्ष 2018 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, भारतीय स्टेट बैंक के यूके के प्रमुख संजीव चड्ढा को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है हमारा अर्नेस्ट एंड यंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को अनसर्ट एंड यंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अनसर्ट एंड यंग जिसे EY के नाम से जाना जाता है, एक बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा कंपनी है और यह बिग 3
फोर आउट अकाउंटिंग फर्मों में से एक है। अगला हमारा इंडो कैनेडियन फिल्म निर्माता दीपा मेहता को कनाडा की सिनेमा एवं टेलीविजन अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला है हमारा भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है। विख्यात भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम ने प्रारंभिक आधुनिक युग के दौरान एशिया, यूरोप और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बीच अंतर सांस्कृतिक संघर्ष पर अपने कार्य के लिए इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है। अगला हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को मिनी रतन सैंडी के तहत विजेता घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं जनवरी 2019 के पुरस्कारों की, तो भारत रत्न 2019, तो इसके बारे में बात करें तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। भारत रत्न 4 साल के अंतराल के बाद से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं नानाजी देशमुख के बारे में, तो नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में महाराष्ट्र के परभणी में एक मराठी परिवार में हुआ था। बचपन में वह स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे। नानाजी ने 1950 में गोरखपुर में भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया। नानाजी देशमुख ने बलरामपुर से 1977 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब भूपेन हजारिका के बारे में बात करते हैं। भूपेन हजारिका जी का जन्म 8 सितंबर 1926 26 को असम के सदिया में हुआ। इनका नाम असम के प्रख्यात कवियों में गिना जाता है। इन्होंने 1000 से अधिक गीतों सहित कई लघु कथाएं, निबंध और यात्रा वृत्तांत लिखे। भूपेन हजारिका को ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में जाना जाता है। मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल 9.15 किलोमीटर का उद्घाटन जो असम में लोहित नदी पर बना है। मोदी ने भूपेन हजारिका के नाम पर इस पुल का नाम डोला सदिया पुल रखा। अब प्रणव मुखर्जी के बारे में बात करें तो प्रणव मुखर्जी का जन्म स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती में हुआ था। उन्होंने 2012 से 2017 तक भारत भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2019। सरकार ने 25 जनवरी 2019 को 17वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2019 के नामों की घोषणा की है। इस वर्ष 112 उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इसमें 4 पद्म विभूषण और 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाता है। तो हम लोग 2019 की पूरी सूची देखते हैं। तो पद्म विभूषण की बात करें तो तीजन बाई, इनका क्षेत्र है कला गायन लोक, ये छत्तीसगढ़ से। फिर अपने इस्माइल उमर गोयल है, विदेशी है। सार्वजनिक मामले जिबूती के। अगले अनिल कुमार मणि भाई नाइक, व्यापार और उद्योग बुनियादी ढांचा महाराष्ट्र के हैं। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे तो ये कला अभिनय थिएटर महाराष्ट्र के हैं। तो याद रखिए तीजन भाई, इस्माइल और गोयले, अनिल कुमार मणि भाई नाइक और बलवंत मोरेश्वर पुरंदर को पद्म विभूषण दिया है। अब इनके बारे में बात करें तो तीजन भाई वह छत्तीसगढ़ से पांडवानी नामक पारंपरिक प्रदर्शन कला की व्याख्याता है। उनका जन्म गनियारी गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। इस्माइल उमर गोहिले की बात करें तो वह विदेशी है। वह 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं। गोहिले वर्ष 2005, 2011 और 2016 में पुनः चुने गए। उन्होंने यमन से भारतीय नागरिकों को
निकासी में उनकी भूमिका के लिए 25 जनवरी 2019 को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अपने अनिल कुमार मणिभाई नाइक वह लार्सन एंड टोरवो लिमिटेड के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बलवंत मोरेश्वर की बात करें तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को बाबा साहेब पुरंदे के नाम से जाना जाता है। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। वह महाराष्ट्र से एक लेखक और थिएटर व्यक्तित्व है। उन्हें छत्रपति शिवाजी के जीवन और समय पर उनकी पुस्तक के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसे राजा शिव भट्टपति कहा जाता है। अब पद्म भूषण की बात करें तो जॉन चैम्बर्स विदेशी हैं, यानी व्यापार और इनका क्षेत्र उद्योग प्रौद्योगिकी, ये अमेरिका के। सुखदेव सिंह दिंगसा ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित पंजाब के हैं। प्रवीण गोधरन है विदेशी हैं सार्वजनिक मामलों में, दक्षिण अफ्रीका के हैं। अपने महा सैधरम पाल गुवाहाटी ये व्यापार उद्योग खाद्य प्रसंस्करण दिल्ली के। दर्शन लाल जैन सामाजिक कार्य के लिए मिला है हरियाणा के। अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े ये दवा सस्ती स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है महाराष्ट्र के। करिया मुंडा ये जन संबंधी है झारखंड के। बुद्धादित्य मुखर्जी कला संगीत सितार हैं पश्चिम बंगाल के हैं। मोहनलाल विश्वनाथन नायर एक कला अभिनव फिल्म क्षेत्र से केरल के हैं। एस नंबी नारायण ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अंतरिक्ष से क्षेत्र से केरल के हैं। कुलदीप नायर इन्हें मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिल्ली के। बच्चेंद्री पाल एक खेल पर्वतारोही है उत्तराखंड के। बी के सुंगलू ये सिविल सेवा शिक्षित में दिल्ली के। हुकुम देव नारायण यादव इस सार्वजनिक मामलों में बिहार के। अब पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री में राजेश्वर आचार्य इनका क्षेत्र है कला गायन हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश के। बंगारू आदि गालय ये अध्यात्मवाद क्षेत्र से तमिलनाडु के। फिर इलियासी अली चिकित्सा सर्जरी क्षेत्र से असम के। फिर मनोज वाजपेयी कैला अभिनव अभिनय फिल्म से संबंधित है क्षेत्र का महाराष्ट्र। उद्धव कुमार भराली विज्ञान और इंजीनियरिंग जमीनी स्तर नवाचार से असम के। फिर उमेश कुमार भारती ये दवा से संबंधित है क्षेत्र है इनका हिमाचल प्रदेश से। प्रीतम भरतवान एक कला गायन श्लोक से ये उत्तराखंड के हैं। ज्योति भट्ट इनका क्षेत्र है कला चित्रकारी गुजरात। फिर दिलीप चक्रवर्ती पुरातत्व क्षेत्र है इनका दिल्ली से हैं। फिर अपने मेमन कैंडी इनका क्षेत्र चिकित्सा उन्हें मिला है पश्चिम बंगाल के हैं। फिर अपने सोपन चौधरी एक कला संगीत तबला से संबंधित है पश्चिम बंगाल के। फिर कंवल सिंह चौहान कृषि संबंधित क्षेत्र में मिला है हरियाणा के। सुनील छेत्री एक खेल फुटबॉल से संबंधित है तेलंगाना के। दिनकर ठेकेदार एक कला अभिनव थिएटर है इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के। मुक्ताबेन पंकज कुमार दागली ये सामाजिक कार्य से संबंधित हैं गुजरात के। फिर अपने बाबूलाल दहिया कृषि क्षेत्र इनका मध्य प्रदेश से। थंगा डारलोंग एक कला संगीत बांसुरी से क्षेत्र से त्रिपुरा के। फिर प्रभु देवा एक कला नृत्य से कर्नाटक के। राजकुमारी देवी कृषि क्षेत्र से बिहार। भागीरथी देवी सार्वजनिक मामलों बिहार से। फिर अपने बलदेव सिंह ढिल्ले ढिल्लो विज्ञान इंजीनियरिंग कृषि पंजाब से। हरिका
द्रोणावली खेल शतरंज इनका चित्र, और आंध्र प्रदेश से गोदावरी दत्ता कला चित्रकारी है इनकी। बिहार के गौतम गंभीर खेल क्रिकेट दिल्ली के सांसद चुने गए हैं जी दिल्ली से। अब बात करते हैं अगला है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नाम से एक वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया। इसकी घोषणा हर साल 23 जनवरी से को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में 51 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वर्ष गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 8वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार की स्थापना किसी भी आपदा के बाद मानवता के लिए संगठनों और व्यक्तियों के योगदान और निस्वार्थ सेवा के स्वीकार करने के लिए की गई है। अगले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठित फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। पुरस्कार के उद्धरण के अनुसार मोदी को उनके राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए चुना गया। उद्धरण में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसी पहलों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने भारत को दुनिया में सबसे आकर्षक विनिर्माण और व्यावसायिक स्थलों में से एक के रूप में स्थान दिया। यह पुरस्कार जनता लाभ और गृह के त्रिस्तंभों पर केंद्रित है, जिसे हर साल किसी देश के नेता को दिया जाता है। फिलिप कोटलर पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर फिलिप कोटलर के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर फिलिप कोटलर के नाम पर दिया जाता है। फिलिप कोटलर के अस्वस्थ होने के कारण यह पुरस्कार उनकी ओर से एम रॉय विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सेठ द्वारा प्रदान किया गया। अगला हमारे डी एन चक्रवर्ती को असम गणतंत्र दिवस पत्रकारिता सम्मान मिला है। असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। चक्रवर्ती को राज्य में पत्रकारिता में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला हमारा भारत ने NYTTS 2019 में बेस्ट एंड शो के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। भारत को उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े यात्रा शो न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो 2019 में बेस्ट एंड शो के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग बेल समारोह के दौरान भारत को सम्मानित किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो में सहभागी प्रस्तुतिकर्ता के रूप में भाग लिया था, जो न्यूयॉर्क के जेबिटस सेंटर न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। अगला हमारा नमिता गोखले ने सुशीला देवी है देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। लेखक नमिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। उन्हें भोपाल साहित्य और कला महोत्सव के उद्घाटन संस्करण में महिला द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास से सम्मानित किया गया है। अगले बार नृत्य शिरोमणि पुरस्कार कथक नृत्यांगना अनिंदिता नियोमची अनाम को दुनिया भर में नृत्य के संरक्षण और बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा डॉक्टर रतन लाल को जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। भारत में जन्मे डॉक्टर रतन लाल को जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। वह कोलंबस ओहियो यूएसए में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं। अगला सी एन आर राव को सामग्री अनुसंधान के लिए शेख सऊद सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सामग्री अनुसंधान के लिए पहला शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सी एन और राव आर राव को दिया गया। यह पुरस्कार रास अल खेमा के शासक शेख सऊद बिन साकर अल कासमी द्वारा राव को 25 फरवरी को रास अल खेमा में उन्नत सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान दिया जाएगा। अगला हमारा सांसद अनुराग ठाकुर को सम्मान रतन सम्मान से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को जूरी समिति विशेष पुरस्कार श्रेणी के तहत एक सांसद के रूप में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वह जूरी समिति का पुरस्कार पाने वाले पहले भाजपा सांसद बने। संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना और 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू की गई है। अगला है वीमेन्स वॉयस पुरस्कार। अमेरिका के भारतीय कवि रंजनी मुरली को अपीजे कोलकाता साहित्य महोत्सव में वीमेन्स वॉयस अवार्ड मिला है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा नो प्रेजेंट प्लीज उपन्यास ने दक्षिण एशियाई साहित्य 2018 DSC पुरस्कार जीता है। नो प्रेजेंट्स प्लीज ए अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास है जिसे जयंत केकिनी ने कन्नड़ भाषा में लिखा है। तेजस्वनी निरंजना द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। यह पुरस्कार विख्यात लेखक रस्किन ब्रांड द्वारा जयंत केकिनी और अनुवादक तेजस्वनी निरंजना को प्रदान किया गया। पहली बार यह पुरस्कार एक अनुवादित कार्य के लिए दिया जा रहा है और निर्णायक मंडल अनुवादक तेजस्वनी निरंजना के उत्कृष्ट योगदान को पहचानना चाहता है। अगला है 2018 ICC पुरस्कार। विराट कोहली ने 3 प्रमुख सम्मान अपने नाम किए। विराट कोहली ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ICC मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले ऐतिहासिक खिलाड़ी बन गए। भारत के कप्तान टेस्ट और एक दिवसीय टीमों के कप्तान होने के साथ सभी 3 शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दाएं हाथ के शीर्ष क्रम में बल्लेबाज कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 64 शतक बनाए जिसमें जनवरी 2019 तक उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 25 शतक और अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय में 39 शतक हैं। अगला हमारा राष्ट्रपति ने लॉन्स नायक नजीर वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया। भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र लॉन्स नायक नजीर वानी को मरणोपरांत दिया गया। लॉन्स नायक नजीर वानी अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले कश्मीरी हैं। अगली बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2019। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से 30 विजेताओं को पुरस्कृत किया है। ये पुरस्कार वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान दिए गए। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता में शामिल हैं IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, निहाल सिंह आगर, ऑस्ट्रेलिया में BHP के संस्थापक अध्यक्ष और रमेश छोटाई, कनाडा में हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र के पूर्व अध्यक्ष। अगला हमारे गिरीश पंत, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो UAE के पानी में फंसे कई भारतीय नाविकों को बचाने में सहायता करते रहे। सुरेंद्र सिंह कंधारी, एक गुरु द्वारा गुरु नानक दरबार सिख मंदिर के अध्यक्ष, एक परोपकारी व्यवसायी और एक काफी समय से दुबई निवासी है। 1964 में UAE गई जुलेका हेल्थ केयर ग्रुप की संस्थापक व चेयर पर्सन डॉक्टर जुलेका को देश की पहली महिला प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर माना गया है। अगला हमारा सरस्वती सम्मान 2017। विख्यात गुजरात कवि सीतांशु यशचंद को गुजराती में उनके काव्य संग्रह वाखर के लिए सरस्वती सम्मान 2017 दिया गया। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का यह 27वां संस्करण है। यह पुरस्कार हर वर्ष किसी भारतीय नागरिक द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला है हमारा 18 अगला है भारतीय अमेरिकी गुरिंदर सिंह खालसा त्रोजा फाक्स ट्रेल विलेजर पुरस्कार से सम्मानित हुए। इंडियाना के फेशर में रहने वाले भारतीय अमेरिकी सिख गुरु गुरिंदर सिंह खालसा को इंडियाना माइनॉरिटी बिजनेस मैगजीन द्वारा विविधता के चैंपियन के लिए चुने जाने के बाद प्रतिष्ठित 2019 रोजा फार ट्रेल विलेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है हमारा आदि गोदरेज को ICSI लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उद्योगपति गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को व्यवसायिक प्रशासन को
में लाने के लिए आईसीएसआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों की स्थापना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। अगले हैं, पोलावरम परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को CBIP पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और तुरंत निष्पादन के लिए CBIP के जल संसाधन परियोजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन से सम्मानित किया गया। पोलावरम बहुउद्देशीय के बारे में बात करें तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया गया है। बांध का जलाशय छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों के कुछ हिस्सों में भी फैला है। अगला हमारा, पिछले 4 वर्षों के गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2015, 16, 17, 18 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 की बात करें तो कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र को ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान दिया के लिए दिया गया। वर्ष 2016 की बात करें तो भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने और मैनुअल मेला ढोने वाले बालों की मुक्ति के लिए सुलभ इंटरनेशनल को और लाखों बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के अपने योगदान के लिए अक्षर पाठ फाउंडेशन को दिया गया है 2015 का विवेकानंद केंद्र को और 2016 का अक्षर पाठ फाउंडेशन को दिया गया। अब 2017 की बात करें तो एकल अभियान ट्रस्ट को भारत वर्ष के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण और आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में ग्रामीण सशक्तिकरण, लिंग और सामाजिक समानता के लिए दिया गया। वर्ष 2018 की बात करें तो श्री यूवी ससा कावा भारत और विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं हिंदू साहित्य पुरस्कार 2018। उपन्यास श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2018 अंग्रेजी लेखक नीलम शरण गौर और रिक्वॉम इन राग जानकी की लेखिका है। द नॉन फिक्शन के लिए द हिंदू प्राइज 2018 मनोरंजन व्यापारी इंट्रोगेटिंग माई चंडा लाइफ एक दलित की आत्मकथा है। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी में द बॉय नंबर 32 को द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन श्रेणी में ए ब्रूस विद इंडियन आर्ट ऑफ ममता मैनी को हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स पुरस्कार मिला है। कहानी श्रेणी में विनायक वर्मा की एंगी अक्कू को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बुक के लिए द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तक चित्रण श्रेणी में राजीव एएफ की अम्माची अमेजिंग मशीन्स को द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं हम लोग विनेश फोगाट लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्होंने वर्ष 2019 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक श्रेणी में नामांकित किया है। चलिए अब 2018 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो पहला जीव तत्व या चिकित्सा, तो इसमें जेम्स पी एलिसन यूएसए के, तसुको होंजो जापान के, इनका क्षेत्र है नकारात्मक प्रतिरक्षा विनियमन के अवरोध से कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। भौतिकी की बात करें तो गिरार्ड मोरो फ्रांस के, आर्थन अस्केन यूएसए के, डोना स्टिकलैंड कनाडा के, इन्हें मिला है लेजर भौतिकी के क्षेत्र में उच्च तीव्रता अल्ट्रा शॉर्ट ऑप्टिकल दालों को उत्पन्न करने की विधि के लिए। रसायन की बात करें जॉर्ज स्मिथ यूएसए के, फ्रांसिस अर्नॉल्ड यूएसए के, गेट शीतकालीन यूके के हैं। इनका क्षेत्र है विकास नियंत्रण के लिए और उनके इसे उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ उत्पन्न करते हैं। शांति की बात करें तो डेनिस मुकवेज कुमला है और यह कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य है।
नादिया मुराद जर्मनी की है। यौन दो सशक्त संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को समाप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। आर्थिक विज्ञान की बात करें तो विलियम नॉर्डहॉस यूएस के हैं, पॉल रोमर यूएस के हैं। जलवायु परिवर्तन पर कार और अंतर जातीय विकास सिद्धांत के लिए दिया गया। वैकल्पिक नोबेल साहित्य के लिए मैरिसे कोंडे। कैरेबियाई के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में एक मैरिस कोंडे ने साहित्य के लिए इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्कार जीता है। अकादमी के सदस्यों में से एक के पति फ्रांसीसी जीन क्लाउड अर्नाल्ट के खिलाफ आरोपों के संचालन के संकट के चलते साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार निलंबित कर दिया गया। चलिए, तो ये थे हमारे सितंबर माह तक के 2019 के करंट अफेयर्स के नोबेल प्राइज और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार या सम्मान। 2019 के जो नोबेल प्राइज मिलेंगे वो हम एक लेक्चर में बात कर लेंगे, और नोबेल प्राइज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एक लेक्चर में हम देख लेंगे।